गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, पहले उसके नियम लिखने से पहले हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए टेंस का, जो कि टेंस आप लोगों को जितना भी लिखवा दिया गया है उसको खूब अच्छी तरह पढ़ लें, एक्सरसाइज करेंगे तो याद होगा। रटने वाली विद्या को छोड़ दीजिए आप लोग कि जो रट रट के याद करते हैं उससे अब काम नहीं चलेगा। हम अधिक से अधिक जितना अधिक हो सके एक्सरसाइज करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस मीन्स होता क्या है, वॉच। वॉइस मीन्स होता क्या है, वॉच होता है। तो वॉइस किसको कहते हैं ये हम देखेंगे कि वॉइस किसको कहा जाता है। क्रिया का वह रूपांतर जिसमें कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं कि आप लोग को कोई डाउट ना हो। कर्म या भाव की प्रधानता, प्रधानता पाई जाए उसे वॉइस कहते हैं। यानी पता यह चलता है कि जैसे हम लोग लगाते हैं टेंस तो उसमें भी तो यही होता है कि सब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इमोशन होता है, भाव की प्रधानता होती है। तो ये सब की प्रधानता पाई जाए तो उसे हम वॉइस कहते हैं। अब हम कैसे पकड़ेंगे कि कर्ता की प्रधानता क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। कर्ता की प्रधानता हेडिंग है, जब काम करने वाला ही स्वयं के स्थान पर हो तब उस वाक्य को कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। यानी जो आप ट्रांसलेशन लगाते हैं उसको एक्टिव वॉइस ही बोला जाता है। जो आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बना रहे हैं, इससे पहले किए हुए हैं, उसको एक्टिव वॉइस ही कहा जाएगा। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं, राम इट्स अ मैंगो। अब इट्स से पता चलता है ये वर्ब है। हु राम, कौन, राम क्या खाता है, आम खाता है। तो यहां पर देखिए राम जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर है और ये इसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। यानी कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य है ये, पहले हेडिंग दिया है ना ये कर्ता की प्रधानता। तो कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य है तो वही चीज एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बता दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़े हम लोग कर्ता की प्रधानता, अब हम क्या पढ़ेंगे, कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता, तो कर्म की प्रधानता में क्या होती है, जब कर्म को ही सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाए तब वह वाक्य कर्म की प्रधानता वाला वाक्य कहा जाता है। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। तो अंग्रेजी में इसे पैसिव वॉइस कहेंगे। अभी तक अपने इससे पहले पढ़ा क्या पढ़ा, राम इट्स अ मैंगो, मैंगो बिल्कुल आखिर में था तो वह कर्म था, ऑब्जेक्ट था। अब उसको कह रहा है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया जाए, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यह है आपका, एक एग्जाम्पल है, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो हम ये जो आ गया ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया मैंगो, तो इसी को कहते हैं कर्म की प्रधानता वाला वाक्य। अब एक आम किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा खाया जाता है, तो ये आ गया, तो इसको हम कहते हैं कर्म की प्रधानता वाला वाक्य। और आखिरी है इसमें कि भाव की प्रधानता। भाव क्या होती है, लड़कियों वाला भाव थोड़ी, ये वाला भाव समझिए कि ये क्या होती है, गुण दशा या अवस्था। गुण दशा या अवस्था, जब सब्जेक्ट के स्थान पर कोई काम करने वाला ना हो बल्कि गुण दशा या अवस्था ही सब्जेक्ट के स्थान पर आए तब वह वाक्य भाव की प्रधानता वाला वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट वॉइस। अब ये बनता है क्या, द न्यूज प्लेस्ड मी, यानी समाचार, मुझे समाचार से मुझे क्या हुआ, प्रसन्नता हुआ, यानी समाचार से हम प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न जो होता है, असमाचार है, समाचार कोई क्या है, कोई सब्जेक्ट है,
संज्ञा है या सर्वनाम है, नहीं ना है, यह एक भाव स्पष्ट कर रहा है, हैं? तो भाव स्पष्ट करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट वाइज कहते हैं। अगर इसको बनाना होगा तो यह सब्जेक्ट पर आ जाएगा, आई वॉज प्लेस्ड बाई द न्यूज। वाक्य में क्या देखते हैं कि वर्ब देखते हैं, वर्ब कई बार बताया गया है, ट्रांसलेशन बनाते समय भी बताया गया है कि क्या होता है। तो वर्ब, वर्ब हम लिखते हैं वी ई आर बी। वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रिया। क्रिया कैसे पहचानते हैं, क्रिया जो है पहचाना जाता है जब किसी शब्द से काम का होना या करना प्रकट हो। जब कोई शब्द से, वाक्य में कोई शब्द है और उसके काम का होना या करना प्रकट हो तो वह क्रिया कहलाता है। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, यही पूरा पुराना वाला फार्मूला, पुराना एग्जाम्पल है, ये देखिए, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। तो अब इसको हम अगर हिंदी में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, राम आम खाता है, ठीक है। अब यहां पर हमको ये पकड़ना है कि ये पूरे वाक्य में कौन ऐसा शब्द है जिसे काम का करना या होना प्रकट हो रहा है, कौन शब्द है, खाता, खाता भाई, खाता है, खाएगा तभी ना कोई काम होगा, तो खाना ये आपका वर्ब हो गया। हिंदी में क्या होता है कि बिल्कुल आखिर में लगा रहता है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोला जाता है। अब इसी से राम इट्स अ मैंगो, तो जिससे ये हमारा इट्स से पता चला है कोई काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। अंग्रेजी में क्या होता है, ये बीच में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, और हिंदी में ये आ जाता है। दूसरी चीज हमको क्या पकड़ना होता है, ये वर्ब के बाद सब्जेक्ट बार बार यहां आ रहा था ना, अभी आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता, कर्ता कहते हैं। तो कर्ता को हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि ये कर्ता है, बताइए। राम आम खाता है, ये हमको पता चल गया है वर्ब है। यही वर्ब से कौन का प्रश्न कर देंगे, कौन खाता है, बस। दूसरी पकड़ क्या है, सब्जेक्ट ज्यादातर ट्रांसलेशन में पहले आता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो, वो पहले आता है। ये तो समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद वाला क्या है, यानी अंग्रेजी में दिया है तो हु का सवाल करेंगे, हु इट्स अ मैंगो, हु इट्स अ मैंगो, राम। हिंदी में वही कह दिए तो कौन आम खाता है, राम, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहां पर आ जाता है दूसरा चीज, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब कर्म बाकी है। कर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को दो तरह का, एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है। तो क्या या किसको का, सजीव निर्जीव में बहुत असमंजस में पड़ जाओगे कि सजीव क्या होता है निर्जीव क्या होता है, अशुरू से पढ़ते आ रहे हो, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, यानी जो सांस लेती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वह सजीव होता है, और जो सांस नहीं लेता है मानव निर्मित है वह निर्जीव हो जाता है। तो यहां क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम क्या खाता है, बस हो गया, राम व्हाट्स, राम इट्स मैंगो। तो जो सवाल आएगा वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट, ओके।
अब ये देखेंगे हम लोग नियम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस इसको कहते हैं साधारण वाक्य, जिसको अफर्मेटिव आप शब्द बोलते हैं अभी तक, है पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो साधारण वाक्य सीधा सीधा होता है, ना ही उसमें नॉट लगा रहता है, ना ही वह इंट्रोगेटिव होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द नहीं होती है। तो ये हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो पहले का ए जो अभी तक इससे पहले बताए हैं वही चेक करना है। वाक्य में सबसे पहले वर्ब छाटो, जब अंग्रेजी में उसमें दिया रहेगा तो वर्ब हमको छाटना होगा। अब वर्ब से कौन का यानी हु का, कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट, यानी कौन का प्रश्न करेंगे तो तुरंत पहले सब्जेक्ट आ जाएगा उसमें वाक्य में। अब फिर तथा सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रश्न करेंगे तो क्या हमें मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको निर्जीव कर्म कहते हैं। तथा किसको, किसको का प्रश्न करेंगे तो क्या हमको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सजीव कर्म हम छाटते हैं तो प्राप्त होता है। तो अब नियम नंबर पहला का बी, अभी पहला का ये लिखे हैं। अब उसमें क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। नोट, नोट क्या है आपको अलग से एक नोट करना है, जैसे ये दिमाग में धरना कि नाउन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाउन जैसे जहां रहता है बस लिख देते हैं, फिर बदल जो होता है तो। लेकिन प्रोनाउन में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है ये होते हैं। पहले ये सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा और यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये हो गया। तो आई, आई का क्या हो जाएगा यहां मी, वी, वी का हो जाएगा अस, दे, दे का देम, यू, यू का यू ही रहेगा, ही, हिम, सी, हर, इट, इट्स, हु अगर आ जाता है तो उसका परिवर्तन होम हो जाएगा। एक चीज और आता है थू, ये थू बहुत कम यूज आता है तो उसका थू कहा जाएगा अगर ऑब्जेक्ट यहां करेंगे थी, ठीक है ना। अभी आपने पूछा था ना इससे पहले जो नियम लिखवाए थे एब्स्ट्रैक्ट भाव वाला, तो उसमें आपने पूछा कि ये आई कहां से आ गया, तो जब भी अगर मी ये ऑब्जेक्ट के जगह पर ये रहेगा और उसको आखिर में रहेगा पहले लिखना होगा पैसिव वॉइस बनाते समय, तो वो सब्जेक्ट वाला स्थान पर आ जाएगा। जिसका जो होगा मी लिखा है तो उसका आई कर देंगे, या आई सब्जेक्ट में लिखा है और उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होगा तो मी लिख देंगे। उसी तरह वी है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होगा तो अस, अगर ऑब्जेक्ट पर अस ऑलरेडी पहले से है और उसको हमको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो वी हो जाएगा। केवल परिवर्तन क्या नहीं है, ये यू का यू ही होता है, ठीक है। एक ईट का ईट मान लीजिए, ईट्स दिया है तो बाकी सब में परिवर्तन होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ हो जाता है और सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ हो जाता है। इसको नोट करें, नियम नंबर दो क्या होता है कि एक्टिव वॉइस जिस टेंस या फॉर्म में हो उसमें हम उसी फॉर्म या टेंस की नीचे जो ये तालिका बना हुआ है सहायक क्रिया से बनता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय बिना सहायक क्रिया का एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज होता है, यानी पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब का बनता ही नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस हमने देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कि राम इट्स अ मैंगो हमने लिखा, तो जब ये बनाएंगे तो देखिए जैसे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये चार्ट आ गया, तो हम उसका जैसे ये पकड़ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे एग्जांपल में हमने बताया ना राम इट्स ए मैंगो, अब यहां ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो नियम नंबर पहले का ही में बताए हैं सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसको हम जब यहां लिखेंगे तो आप लोग को यह पता है बिना सहायक क्रिया का पैसिव वाइज नहीं बनता है। तो ये इट्स से हम पकड़ ले रहे हैं कि ये प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इनडिफिनिट में हम चार्ट में ये देखेंगे कि इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज आर एम। तब तीनों थोड़ी लिखेंगे, तीनों में से कौन अच्छा रहेगा। अगर सब्जेक्ट में आई आ जाएगा तो हम एम लगाएंगे। अगर यदि सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर मतलब कोई एक, पता चले पढ़ने से पता चले एक के बारे में बात हो रही है तो हम इज लगा देंगे। यहीं पर मैंगोज होता तो हम आर लगा देते हैं, तो हम इज लगा देते हैं। यानी बिना सहायक क्रिया का नहीं बनेगा तो वही इज लगा देंगे। इसी तरह हर चार्ट के अनुसार है। अगर हमको सबसे आसान क्या होता है, सहायक क्रिया दिया रहेगा, वर्ब में आई एनजी दिया रहेगा, ये समझ में आ जाता है कि कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें खाली बीइंग लगा देना है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह है इज आर एम ही रहेगा, और उसके सब्जेक्ट जब हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो हम उसके सहायक क्रिया उसके मुताबिक लिखने के बाद बस बीइंग जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये नियम नंबर क्या था, ये नियम नंबर दो था, अब नियम नंबर तीन आ गया। तीन में क्या होता है, कोई भी हम फॉर्म होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जो भी वर्ब रहेगा उसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। और नियम नंबर चार, नियम नंबर चार, चार में क्या करेंगे, चार में हम क्या करेंगे कि जब यहां जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। तो नियम नंबर चार क्या होगा, बाई का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, उसी तरह इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, और ये पीसी का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि ये चेंज नहीं होते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होते हैं। तो आपको नियम नंबर तीन बता दिया गया है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं। और एक एग्जाम्पल के जरिए राम राइट्स अ लेटर। अब इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए नियम नंबर एक का ये कह रहा है, सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब छाटिए। तो वर्ब क्या है, राइट्स है। राइट्स से कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट छाटिए, कौन, कौन लिखता है पत्र, राम। और सब्जेक्ट से क्या या किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट, राम क्या लिखता है, तो अ लेटर। अब नियम नंबर वन, एक वन का बी बता रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये ऑब्जेक्ट को हम पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, या ए लेटर पहले लिख देते हैं। और नियम नंबर अगला कह रहा है कि बिना सहायक क्रिया का पैसिव वाइज नहीं बनती, तो अब हम दो नंबर नियम कह रहा है कि सहायक क्रिया के पैसिव वाइज नहीं बनती, तो अब अ लेटर ये हम देखते हैं तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वह में एस या ईएस लगा हुआ है। तो हम इसके चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज आर एम का प्रयोग कहा है, तो हम अ लेटर एक वचन है तो हम यहां पर इज लगा देते हैं। और नेक्स्ट नियम नंबर तीन कह रहा है कि जो भी वर्ब होते हैं उसका थर्ड फॉर्म, तो राइट्स जो है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन।
और नियम नंबर 4 कह रहा है कि अगर हम ये सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं, आई वॉज बाइंग बुक्स, मैं किताबें खरीद रहा था, वॉज लगा है आई एन जी, तो वॉज लगा है तो पास्ट टेंस हो गया, आई एन जी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, अब नियम नंबर 1 का ये कह रहा है कि वर्ब छाटी है, आई एन जी लगा है, ये वर्ब हो गया, कौन, राम, आई और क्या, बुक्स। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव, तो हम बुक्स पहले लिख देंगे। अब बुक्स लगा है ना कि बुक है, तो बुक्स लगा हुआ है तो ये बहुवचन हो गया। तो चार्ट में हम देखेंगे नियम नंबर 2 में कि नियम नंबर 2 में देखते हैं कि क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर ही लिखेंगे प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। तो यहां बहुवचन है तो हम वर लिख देते हैं और बीइंग, वर लिख देते हैं और बीइंग प्लस बाई का थर्ड फॉर्म बाउट। और जब सब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर तो उससे पहले बाई, लेकिन ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है, नोट में हमने लिखवाया था कि नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन प्रोनाउन में निम्न परिवर्तन होते हैं। तो जब भी आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, मी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।